सभी को गुड इवनिंग। ये बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जो भी ऑनलाइन है एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ वो क्लियर दिखाई दे रहा है और जो मेरा साउंड है वो। Thank you.
एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि जो लिखा हुआ वो दिखाई दे रहा है क्या क्लियर? देखो पहले तो जो अपन ने कल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। उसमें मैंने बताया था कि कैसे हाइजेनबर्ग का जो फॉर्मूले आते हैं वो कितने रूप होते हैं, उसके हाइजेनबर्ग का सिद्धांत अपने पास कैसे आया था। यदि अपन क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या ऐसा चेंजेस हुआ कि हाइजेनबर्ग को आना पड़ा, तो वो मैंने सब आपके कल वाले वीडियो में बता दिया था, कल वाली क्लास में बता दिया था। यदि वो क्लास किसी की मिस है तो वो क्लास रिकॉर्डेड में और जो अपना यूट्यूब चैनल है उसमें भी मैंने अवेलेबल करवाई है। तो 3-4 क्लास है जो यूट्यूब चैनल पर भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा, वही चैनल आपके पास, तो उसमें आप जो कल और परसों वाली जो क्लास थी वो आप देख सकते हो। आज अपनी है जो है थर्ड क्लास है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो जो कल अपन ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, उसमें अपन ने कुछ फॉर्मूले निकाले थे। उसमें कौन कौन से फॉर्मूले निकाले थे तो वो मैं एक बार आपके सामने फॉर्मूले लिख देता हूँ। आपके सामने 4 फॉर्मूले थे अपने पास, फॉर्मूले थे इनके पास। सबसे पहले तो अपने पास आया था कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता होती है वो एच कट बाय टू के इक्वल होती है, यानी एच कट बाय टू से क्या होती है, बड़ी होती है, या न्यूनतम की बात करें तो कितनी होगी, एच कट बाय टू होगी। यदि मैं बात करता हूँ, एक और निकाला था अपन ने डेल ई डॉट डेल टी, यानी ये तो थी स्थिति में अनिश्चितता, ये थी अपनी संवेग में अनिश्चितता। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो ये किस में, ऊर्जा में अनिश्चितता, और ये है समय में अनिश्चितता। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी क्या होता है अपने पास, एच कट वाई टू के इक्वल होता है। अब यदि मैं बात करता हूं, अपन ने एक और फॉर्म निकाली थी इसकी, जिसमें अपन ने डेल एल जेड वाली टर्म ली थी अपन ने डेल एल जेड डॉट डेल थीटा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट वाई टू। तो ये तीनों टर्म ली थी जिसमें अपन ने एक तो स्थिति और संवेग की बात की थी, यानी स्थिति में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता, यानी अनसर्टेनिटी ऑफ पोजिशन और अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, अनसर्टेनिटी ऑफ एनर्जी, अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम, तो उसकी बात की थी। अब इसके सामने अपन ने एक दो न्यूमेरिकल किए थे और एक दो न्यूमेरिकल आपके सामने लिखे हुए, तो अपन एक एक न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन का वेग 300 मीटर पर सेकेंड है। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन का वेग 300 मीटर पर सेकंड है, यानी इसमें कुछ वेग दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, वो कितना है आपका 300 मीटर पर सेकंड है। और इसमें कह रहा है कि 0.01% की परिशुद्धता हो, इसमें क्या कह रहा है कि 0.01% की परिशुद्धता। परिशुद्धता एक तरह से अपनी इरर होती है, इरर में जो भी कुछ मिलाया जाता है या कोई भी अपने पास वेलोसिटी है उसमें कुछ ना कुछ एरर आ रही है, वो कितनी आ रही है 0.01% की परिशुद्धता हो। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने की अनिश्चितता ज्ञात करो, तो एक तो फाइंड क्या करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने की अनिश्चितता, यानी स्थिति का पता लगाना, यानी यहाँ पे यदि मैं फर्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आएगा कि आपको फाइंड तो क्या करना है, डेल एक्स इज इक्वल टू फाइंड करना है, क्या करना है ज्ञात क्या करना है, डेल एक्स यानी जो स्थिति का पता लगाना है, तो स्थिति में अनिश्चितता होगी डेल एक्स, वो अपन को क्या करना है यहाँ पे निकालना है। फिर मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी दी हुई है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का वेग 300 मीटर पर सेकंड है, इसमें 0.01% की परिशुद्धता हो, तो उसमें अनिश्चितता कितनी होगी। तो सबसे पहले तो अनिश्चितता किसकी निकालेंगे अपन, वेग की, किसकी निकालेंगे, वेग की। वेग की कैसे निकालनी है कि आपके पास क्या दे रखा है 0.01, क्या दे रखा है 0.01 अपॉन में आ जाएगा 100, और जो इसकी वेलोसिटी दे रखी है, देखो यहाँ पे 0.01 अपॉन में तो क्या आएगा 100, इरर को अपन ऐसे फाइंड आउट करते हो, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 300 मीटर पर सेकंड। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास आएगा 0.03, क्या आ जाएगा अपने पास 0.03। अब अपन को निकालना क्या, इसमें अपना फॉर्मूला है वो ये है डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट वाई टू, ये अपना फॉर्मूला था, यहां से अपन को निकालना क्या है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का बात, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे यदि मैं पी की जगह क्या रख सकता हूँ, डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास एम डेल वी होता है, क्या होगा एम डेल बी, यानी जब संवेग में अनिश्चितता है तो मास तो ऐसे कैसे रहेगा, और वेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी डेल बी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अपने पास ये हो जाएगा डेल एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट वाई टू। यदि मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, मुझे डेल एक्स तो निकालना ही है, यदि मैं इसको इक्वल न्यूनतम कर लेता हूँ तो एच कट बाय अपॉन में
टू एम और डेल वी, ये टर्म आएगी अपने पास। अब यदि इसमें वैल्यू आप रख सकते हो, एच कट की वैल्यू कितनी होती है 1.054 इंटू 10^-34, जो वैल्यू मैं आपको कल बता चुका हूँ। एच कट क्या कहलाता है अपना, रेडियस प्लांक कॉन्स्टेंट कहलाता है। एच क्या कहलाता है, प्लांक कॉन्स्टेंट कहलाता है। एच कट क्यों काम में लेते हैं कि सूक्ष्म जगत की बात करते हैं, माइक्रो स्टेट की बात करते हैं, तो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स है वो एक माइक्रो की बात करता है, इसलिए यहाँ पे एच कट काम में लेते हैं, एच काम में नहीं लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। फिर यहाँ पे एम कितना है, एम क्या हो जाएगा अपने पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10^-31 इंटू अपने पास क्या हो जाएगा डेल वी, और डेल वी अपन ने कितना निकाल रखा है 0.03, कितना निकाल रखा 0.03। तो इसका मैं आपको फाइनल आंसर एक बार निकाल के बता दीजिए मुझे, जो भी ऑनलाइन है, कि इसका फाइनल आंसर कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर, वो मुझे बता दीजिए। एक बार इसका जो फाइनल आंसर है वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इसको सॉल्यूशन करने पर कितना आंसर आएगा। ये लगभग आना चाहिए 1.93, यदि मैं इसका एग्जैक्ट आंसर लिखूं तो 1.93 × 10^-3 मीटर आना चाहिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1.93 × 10^-, तो ऐसे भी लिख सकते हो 1.93 mm, यानी मिलीमीटर, यानी वो क्या हो जाएगा एम का 10^-3 और मीटर का क्या हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो भी अपन क्लास लेंगे उसमें न्यूमेरिकल हर टॉपिक के अपन को करते जाना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब एग्जाम का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, पहले पुराने क्वेश्चन आते थे, अब पुराने क्वेश्चन नहीं आते, अब सब कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इस टाइप से जो भी अपन ने कल टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड ही अपन ने न्यूमेरिकल किए। कल ये वाला टॉपिक पढ़ा था जिसमें हाइजेनबर्ग के जितने भी फॉर्म थे वो बताई थी, हाइजेनबर्ग कहाँ से आया था, कब आया था, वो भी बताया था, 1927 में आया था, और इसमें क्या क्या हाइजेनबर्ग ने बताया था कि संवेग में अनिश्चितता, अनिश्चितता ऊर्जा में, अनिश्चितता समय में, अनिश्चितता उससे रिलेटेड यदि किसी की क्लास मिस है तो वो क्लास रिकॉर्डेड क्लास में अवेलेबल है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो ये अपना क्या हो जाएगा 1.93 mm किसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन सेकेंड क्वेश्चन कर दीजिए। जो भी अपन ने कल पढ़ा था अनिश्चितता का सिद्धांत, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रॉन का वेग 300 m/s है, तो इसमें 0.01% की परिशुद्धता हो, तो इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने की अनिश्चितता ज्ञात करनी है अपन को। तो अनिश्चितता ज्ञात करनी है, तो देखो आप यदि क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो और आपने न्यूमेरिकल नहीं किए, तो आपका सबसे बड़ा ये वीकनेस पॉइंट है कि आपने यदि न्यूमेरिकल नहीं कर पाते आप किसी भी टॉपिक के, तो आपका सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट है कि फिजिक्स को आप अच्छे से नहीं कर रहे। तो इस बार जो भी मैं करा रहा हूँ, वैसे तो मेरी यदि आपने पूरी क्लास देखी होगी यूनिट फर्स्ट पैसे यूट्यूब में पहले से ही अवेलेबल है, बट उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, उसमें केवल आप जो पुराने क्वेश्चन कर सकते थे वही अवेलेबल है। तो इस बार मैं जो भी आपका लेवल लेके चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट को आपको डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, और हर एक पॉइंट क्या होगा आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप आगे जाके एमएससी करते भी हो तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी, और यदि कोई हो सकता है जो बीएड वाले स्टूडेंट है वो आगे जाके टीचिंग लेवल का एग्जाम देंगे, तो आप टीचिंग लेवल का पेपर उठा के देख लेना कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते। तो इसको जल्दी नोट कीजिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूं। एक बार जो भी ऑनलाइन आए एक बार कमेंट करके बता दे कि जो आप मेरी रिकॉर्डेड क्लास है, इसके पहले की दो क्लास रिकॉर्डेड है, क्या वो आपने देखी है या नहीं देखी, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि जो भी मेरी रिकॉर्डेड क्लास थी पीछे वाली दोनों, वो आपने देखी या नहीं देखी। यदि वो नहीं देखी है तो सबको समझ में नहीं आएगा। फिर अभी कमेंट आया केवल दो का कि हाँ देखी है, तीन चार का आया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो पहले वाली क्लास, यदि कोई लाइव क्लास आपकी मिस हो जाती है तो वो क्लासेज आपकी 24 घंटे तक इसी ऐप में रिकॉर्डेड वाला ऑप्शन है उसमें अवेलेबल रहेगी, तो आप उसमें कैसे भी करके उसको कवर करके देख सकते हो। और उसको आप सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप इस क्लास को डाउनलोड करके आपके मोबाइल में सेव भी रख सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। बट ध्यान रखना वो सेव की हुई क्लास ऑटोमेटिक आपके मोबाइल से हट भी सकती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो चलते आगे।
बिल्कुल रोशन, जो लाइव क्लास स्टार्ट की है वो हमेशा के लिए ही की है, ऐसा नहीं है कि केवल 2 दिन के लिए की है। क्योंकि जो मेरी जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेगा, जो थर्ड ईयर की अपनी क्लास रहेगी, वो जो भी अपनी एप्लीकेशन को ज्वाइन करेगा, लाइव क्लास अपने यहाँ पे चलेगी, और जो रिकॉर्डेड क्लास है वो तो अपने पास जो कंप्लीट सिलेबस के वीडियो है वो पहले से ही रिकॉर्डेड मेरे पास बने हुए, तो वो अपनी एप्लीकेशन विशेष वीक्स क्लासेस की एप्लीकेशन है उसमें रहेंगे। तो वो तो आप हमेशा आपके एग्जाम तक वो वीडियो तो आपके पास है ही, बट मेरा कहना का मतलब ये है कि आप जब भी लाइव क्लास ले रहे हो तो लाइव क्लास पहले अटेंड करो। यदि आप कभी कारणवश कोई टॉपिक आपका मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डेड क्लास में जाके उसको देखो, बट कोशिश यही करो कि आप लाइव क्लास अटेंड करो और अच्छे से अच्छे डाउट और समझो, जो भी डाउट है वो भी क्लियर करो, समझ कर भी क्लियर करो। तो ये क्लास डेली के लिए ही है, और आपका रिजल्ट भी देना मेरे ऊपर ही है। तो रिजल्ट यदि आप मेरे अकॉर्डिंग चल जाते हो कहने पे, तो आपका रिजल्ट भी आपको पता ही होगा। यदि आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नोट्स भी पढ़े अपने, और जो मेरे से पढ़ रखा हो तो ध्यान ही है। बाकी मैं आज भी कह देता हूँ कि जो अपनी क्लास चल रही है उसमें 3 कॉलेज के स्टूडेंट ऐड है, तो 3 कॉलेज के स्टूडेंट देख रहे हैं। जो आपके शो हो रहा है वो केवल एक ग्रुप शो हो रहा है, बाकी 2 ग्रुप क्या है सीन नहीं हो रहे होंगे आपको, तो वो मेरे अंदर सीन हो रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट और भी है जो देख रहे हैं। बताओ एक बार, कमेंट करके बताओ, चले आगे सेकंड क्वेश्चन करें। फर्स्ट में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो अपन सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं इस बार जो भी आपका क्लास का लेवल रखूंगा वो एक, मैं कह सकता हूँ गारंटी से कि एक टॉप बेस्ट लेवल रहेगा आपका इस क्लास का, कि आपका कोई भी पॉइंट, और आगे जाके कोई यदि एमएससी करने वाला है तो उसके लिए तो डबल बेनिफिट है कि ये सारे मैं यहीं पे आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। और इस बार अपने पास सारी सुविधा है, न्यूमेरिकल करने की भी है, पेंटेप वगैरह भी है, तो उससे यदि यूट्यूब पे अपन कुछ न्यूमेरिकल करना चाहे स्लाइड के द्वारा, स्लाइड शो के द्वारा, तो भी अपन सब कुछ कर सकते हैं। रोशन पूछ रहा है कल रिजल्ट आएगा क्या सर? बिल्कुल रोशन, रिजल्ट का तो अभी कोई फाइनल हुआ नहीं है। हाँ बट आ जाएगा तो अच्छी बात है, आप पीछे वाला तो बोल जाओ, क्योंकि आगे का जो पीछे तो होना था, जो हो गया कोरोना की वजह से, जो एग्जाम लेट हुई, पहले हुई, सब कुछ हो गया, पेपर जैसे भी हुए, अब उसको बोल जाओ। लास्ट चांस है, थर्ड ईयर का परसेंटेज बनाना है, बना लो, नहीं बना सके तो फिर आगे तो मौका मिलना नहीं है आपको। तो जो अभी जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो, जो पीछे का तो हो गया, जो आपने अच्छा किया है तो अच्छा रिजल्ट आएगा, यदि सही नहीं किया तो जैसा भी आएगा अब उसको तो लेके चलना ही है आपको। बट आप अभी जो चल रहा है थर्ड ईयर पे ज्यादा ध्यान दो। थर्ड ईयर की तीनों बुक है, जो तीनों बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड ईयर की मानी जाती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल में सबका वेटेज, हर बुक का वेटेज में सभी जो थर्ड ईयर की तीनों बुक है इसका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। चलते आगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो सेकेंड क्वेश्चन को, आपके सामने लिखा हुआ है कि उत्तेजित परमाणु का आयु काल 10 की 10 नैनो सेकेंड है। क्या कह रहा है? उत्तेजित परमाणु का आयु काल 10 की पावर 10 नैनो सेकेंड है, या फिर ब्रैकेट में दे रखा है 10 की घात -8 सेकेंड है। तो मूल स्तर में परमाणु से संक्रमण से उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति में अनिश्चितता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? अनिश्चितता ज्ञात करो। तो एक बार क्वेश्चन देख लेना, ये सही है क्या? 10 नैनो सेकेंड, चलो ठीक ठीक। क्वेश्चन में दे रखा है कि उत्तेजित परमाणु का आयु काल, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि ये उत्तेजित परमाणु कौन सा होता है और ग्राउंडेड स्टेट का परमाणु कौन सा होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि उत्तेजित परमाणु जो क्या करता है, अपना एक्साइटेड रहता है, जो एक नीचे वाले कक्षक से ऊपर वाले कक्षक में जाने के लिए एक्साइटेड रहता है वो कहलाता है अपना उत्तेजित परमाणु। फिर अपन कहते हैं कि इसका आयु काल है वो 10 की घात -8 सेकंड है, यानी इसमें जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 की घात -8 सेकंड, यानी ये कुछ दे रखा है इसका, इस मैं कह सकता हूं कि जो समय में अनिश्चितता है, क्या है इसकी, समय में, जो समय में अनिश्चितता है वो कितनी है आपकी, 10 की घात -8 सेकंड है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसकी मूल स्तर में परमाणु से संक्रमण से उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति में अनिश्चितता, फोटोन की आवृत्ति में अनिश्चितता निकालनी है। तो फोटोन की आवृत्ति की अनिश्चितता होगी वो मैं कंसीडर कर लेता हूँ। आवृत्ति को आप किससे लिखते हो? न्यू से। तो ये क्या हो जाएगी, आवृत्ति की जो अनिश्चितता है वो हो जाएगी अपने पास डेल न्यू इज इक्वल टू, उनको क्या करना है, फाइंड करना है।
अब इसमें सबसे पहले तो ये बताओ कि मैं कौन सा रिलेशन इसमें काम में लूँ, अनिश्चितता के अपने पास हाइजेनबर्ग के तीन रूल्स तीन फॉर्म थी जो अपन ने कल पढ़ी थी, तो इसमें कौन सा फॉर्म मैं काम में लूँ। तो यदि आप देख रहे होंगे कि एक तो इसमें क्या आ रहा है, टी आ रहा है, या तो संवेग और स्थिति का टर्म को शो करेगा, फर्स्ट तो ये था। सेकेंड क्या था, या फिर सेकेंड आएगा एनर्जी और टाइम का। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या दे रखा है, टाइम या डेल टी दे रखा है, स्थिति में अनिश्चितता दे रखी है। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि स्थिति वाला जो टाइम वाला जो अनिश्चितता का रिलेशन है वो यहाँ पे आप काम में ले सकते हो, मतलब कौन सा रिलेशन, डेल ई डॉट डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है अपने पास, एच कट बाय टू। ये रिलेशन आप काम में ले सकते हो। कैसे, आपको निकालना क्या है, आप जानते हो कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, फोटोन की आवृत्ति की अनिश्चितता। फोटोन की आवृत्ति आप न्यू से लिखते हो, इसका मतलब उसमें अनिश्चितता कितनी आनी चाहिए, डेल न्यू आनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि ई इज इक्वल टू एच न्यू है, तो डेल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ये हो जाएगा एच डेल न्यू। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है क्या, फोटोन की आवृत्ति की अनिश्चितता यानी डेल न्यू निकालना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल न्यू डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय टू। क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको वैल्यू निकालू तो क्या हो जाएगा, मुझे डेल न्यू निकालना है, तो बाकी सबको नीचे भेज दो। तो इसकी न्यूनतम के लिए देखो, मूल मूल स्तर में परमाणु, अब मूल स्तर में परमाणु मतलब ग्राउंड स्टेट में परमाणु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है न्यूनतम लेवल। न्यूनतम लेवल का मतलब होता है अपने पास कि एच हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ये एच यहाँ आ जाएगा और ये क्या रह जाएगा अपना डेल न्यू। यदि मैं इसको सॉल्व करके रखू तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल न्यू इज इक्वल टू एच कट की वैल्यू क्या होती है, 1.054, 1.054 10 की पावर -34 अपॉन में क्या हो जाएगा, टू ऐसे का ऐसे रह जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, एच है, ये क्या है आपका एच है। ध्यान रखना कि एच और एच कट में कुछ रिलेशन होता है, तो मैंने वो रिलेशन आपको कल बताया था कि एच कट इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन में 2 पाई। अब इसको इजीली सॉल्व करने के लिए या तो आप एच को एच कट में कन्वर्ट करो या फिर आप एच कट को भी एच में, यानी दोनों एक जैसे टर्म बना दो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, सॉरी यहाँ पे डेल टी आएगा ना कि डेल, क्या आ जाएगा डेल टी, क्योंकि सॉरी हाँ डेल टी आएगा क्योंकि अपने पास देखो डेल ई तो ऐसे का ऐसे रहेगा, ये डेल टी नीचे जाएगा, एच नीचे जाएगा और अपने पास इधर क्या रह जाएगा, डेल न्यू। तो अपने पास क्या आ जाएगा, टू। यहाँ पे एच है तो एच के लिए मैं क्या करूँ, या तो इसकी वैल्यू से सॉल्व करना हो तो वैल्यू से करो, तो एच की वैल्यू क्या रहती है, ये रहती है, एच कट की वैल्यू ये रहती है, और इंटू डेल टी में क्या हो जाएगा, 10 की पावर -8 सेकेंड हो जाएगा। तो इसको एक बार सॉल्व करके बताओ कि इसका जो कैलकुलेट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है। और इसको इजिली सॉल्व करने के लिए मैं ये भी कर सकता था कि जो एच कट है और ये क्या ले लिया मैंने, टू, और आप जानते हो कि एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन में 2 पाई होता है। यहाँ क्या है, एच है, तो मैं इसको 2 पाई एच कट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एच कट और डेल टी। तो इससे क्या होता, एच कट से एच कट कैंसल आउट हो जाता, 4 पाई क्या रह जाता अपने पास, ये रह जाता अपने पास 1/4 पाई और 1/4 में डेल टी रह जाता। तो आप इससे भी वैल्यू निकाल सकते, तो जो भी वैल्यू आएगी सही आएगी। तो आप एक बार इसका मुझे कैलकुलेशन करके सॉल्यूशन बता दो कि इसका आंसर क्या आएगा, जो भी ऑनलाइन है अभी डेल न्यू का आंसर मुझे बता दीजिए, इस डेल न्यू का आंसर कितना आएगा। को मुझे इसका आंसर निकाल के बता दो कि इसको सॉल्व करने पर डेल न्यू कितना आएगा। लगभग किसी का कमेंट आ नहीं रहा, तो मैं इसका आंसर क्या करूं, लिख दूं फिर, 8 × 10 की पावर 6 हर्ट्ज के समथिंग आना चाहिए। कितना, 8 × 10 की पावर 6 हर्ट्ज। यानी इससे क्या होगा, या तो जो डेल न्यू है यानी इसकी जो आवृत्ति है न्यू है, न्यू का मात्रक क्या आएगा, यूनिट क्या आएगी, हर्ट्ज आएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 10 × 10 की पावर 6 हर्ट्ज आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ अनिश्चितता से रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल करवाए है, और जो मैंने ये 4 न्यूमेरिकल करवाए है, यदि स्थिति में जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है
यदि इसमें से आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है या आया हुआ है तो वो इन चारों में से ही आया हुआ है। तो ये चीज आप नोट कर लेना कि जो न्यूमेरिकल आपके हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से आए हुए हैं वो आज वाले दो और जो कल वाले दो करवाए थे उसमें से ही आए हुए हैं। अब अपन बात करते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या आता है। तो इस चैप्टर में आता है अब जो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा है अपन ने उसके अनुप्रयोग आते हैं। उसके क्या आते हैं अनुप्रयोग। तो अपन ने मैंने कुल टोटल चार अनुप्रयोग बताए थे इसके। तो कौन कौन सा अनुप्रयोग, एक तो हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट एनर्जी और या फिर हाइड्रोजन परमाणु में मूल ऊर्जा स्तर। सेकंड बताया था सरल आवृत्ति दोलक में मूल ऊर्जा स्तर यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ग्राउंड स्टेट एनर्जी। एक बताया था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता और एक वर्णक्रम स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। चार मैंने एप्लीकेशन बताई थी। तो आज अपन इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो है अपने पास हाइड्रोजन परमाणु में ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो उसकी बात करते हैं। तो एक बार नोट कर लिया हो तो मुझे कमेंट करके बताए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जी नोट करने के बाद एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमने लिख दिया है तो मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि लाइव क्लास दिन में नहीं हो सकती क्या, तो वो लाइव क्लास दिन में हो सकती है बट वही है कि फिर दिन में अभी टाइम फिक्स नहीं कह सकता मैं क्योंकि मेरा भी शेड्यूल थोड़ा बिजी है। तो जो दिन की क्लास है वो तो अभी कट तक तो टाइम कुछ ऐसा फ्री है नहीं, यदि कुछ होगा तो मैं बताऊंगा जरूर आपको। बाकी इवनिंग में ये टाइम मेरा 6 बजे के बाद फ्री रहता है और सुबह का 8 बजे से पहले फ्री रहता है। यदि सुबह की आप 8 बजे से पहले क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे बता दो कि 8 बजे से पहले क्या आप रुक सकते हो सुबह, तो मैं सुबह 8 से पहले भी कर सकता हूँ। ये एक बार लिखने के बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं, और इसमें यदि कोई डाउट है तो भी बता दो। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि लिख दिया क्या आपने, तो मैं इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आता हूं फिर। ठीक है लिख दिया हो तो मैं बढ़ता हूं आगे। देखो ऑनलाइन स्टडी का यही बेनिफिट है कि आप भी करते हैं मैं भी करते हैं और इजीली आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत आती नहीं है। क्योंकि आजकल बड़े से बड़ी क्लास मेडिकल लेवल के कोर्स, इंजीनियरिंग लेवल के कोर्स सभी ऑनलाइन चल रहे हैं। ठीक है अब अपन बात करते हैं किसकी, जो इसकी एप्लीकेशन आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, लगा देना, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा देना। एग्जाम में मैंने बोला था कि अनिश्चितता सिद्धांत का जो अपना यूनिट फर्स्ट का बी वाला क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, या तो वो अनिश्चितता से संबंधित न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या अनिश्चितता से संबंधित 3 नंबर का कोई भी उसका थियोरटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर उसकी जो 4 एप्लीकेशन है उसमें से कोई भी एक एप्लीकेशन पूछी जाएगी। तो मैं आज उसी की बात करने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके पास, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग यानी अनसर्टेनिटी एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब मैं फर्स्ट अनुप्रयोग की बात करता हूं, तो फर्स्ट क्या अपने पास हाइड्रोजन परमाणु के मूलतः ऊर्जा स्तर यानी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो कितनी होती है,
ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब अपन बात करते हैं किसकी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले तो मैं इसके कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हाइड्रोजन एटम कहते किसे है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम किसे कहेंगे। तो क्या मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है, यदि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, कि हाइड्रोजन एटम किसे कहते हैं? और यदि आपने मेरे नोट्स पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स में स्टैटिक्स के, तो उसमें भी हाइड्रोजन एटम को डिस्कस किया गया था। तो क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि हाइड्रोजन एटम क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोजन एटम, ये बताइए सबसे पहले मुझे कि हाइड्रोजन एटम किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि हाइड्रोजन एटम किसे कहते हैं, क्या होता है हाइड्रोजन एटम है, ये बताइए। मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं कि हाइड्रोजन एटम क्या होता है, क्योंकि आप जो चीज पढ़ने जा रहे हो उसका एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स देखो, पेपर हो सकता है इजी आए, हो सकता है पेपर घुमा के दे, तो पेपर कैसा भी घूम जाए बट आपको नहीं घूमना है, ये ध्यान रखना है कि यदि पेपर के साथ आप भी घूम जाते हो मतलब तो आपने फिजिक्स पढ़ी नहीं है। आप नहीं घूमते और पेपर घूम जाता है तो बात सही है, तो आपको फीलिंग आएगी कि नहीं हमने कुछ फिजिक्स पढ़ी हुई है। बताओ कोई कमेंट करके कि हाइड्रोजन एटम किसे कहते हैं, व्हाट इज हाइड्रोजन एटम। कोई नहीं बताएगा क्या हाइड्रोजन एटम क्या होता है? देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइड्रोजन एटम की, कि हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन एटम होता क्या है। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन में क्या होता है, अपने पास नाभिक होता है। आप जानते हो कि कोई भी परमाणु होता है तो ये कौन सा परमाणु आपका, एच परमाणु। एच परमाणु इसका मतलब बीच में तो क्या रहेगा, इसके न्यूक्लियस रहेगा। और आप जानते हो कि न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन। और इसके जो राउंड में जो चक्कर लगाता है वो कौन लगाता है, अपना इलेक्ट्रॉन लगाता है। वो कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन परमाणु में होगा क्या कि आपके पास प्रोटॉन कितना हो, प्रोटॉन की संख्या, यानी यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए आपके पास, एक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, प्रोटॉन की संख्या एक होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि जो अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो भी कितनी होनी चाहिए आपके पास, एक होनी चाहिए। वो भी कितनी होनी चाहिए आपके पास, एक होनी चाहिए। तो यदि मैं कह सकता हूँ कि ये एच एटम होता है, आप जानते हो कि एच का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यानी हाइड्रोजन के लिए क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 आता है। क्या आता है, 1s1, यानी इसमें देखो जो प्रोटॉन की संख्या आ रही है वो भी कितनी आ रही है आपकी, 1 ही आएगी। यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी होगी बताओ जल्दी से, 0 होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 1। तो आप हाइड्रोजन परमाणु को यदि डिफाइन करना चाहो तो क्या लिखोगे कि वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है वो क्या कहलाता है आपका, हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन परमाणु में वह नाभिक या वह परमाणु जिसमें एक प्रोटॉन तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या कहलाएगा आपका, हाइड्रोजन परमाणु कहलाएगा। देखो डेफिनेशन आप कोई भी बना के लिख सकते हो, तो इसमें डेफिनेशन बोल दिए तो आप जो अच्छी लगे, जो आपकी लैंग्वेज में अच्छा लगे वो लिख देना, कि वे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या 1, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 तथा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो, तो वह हाइड्रोजन परमाणु होता है, तो वह हाइड्रोजन परमाणु होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु का कंसेप्ट समझ में आ गया। क्या मैं आपको कहता हूं कि 3 लिथियम 7 होता है, क्या होता है, 3 लिथियम 7 होता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो लिथियम 7 है, क्या है आपके पास, लिथियम। अब मैं कह सकता हूं कि इसमें देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, इसमें भी कितनी आपके पास, 3 है। यदि मैं यहाँ पे क्या कर दू, प्लस टू कर दू, अब यहाँ पे मुझे बताओ कि क्या ये एच एटम है या नहीं है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि ये एच एटम है या नहीं है।
बताओ जल्दी से है क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये क्या था आपके पास, इलेक्ट्रॉन की संख्या तीन थी, तीन में से यहाँ पे दो क्या हो गई बाहर निकल गई, तीन में से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन कितना बचा आपका एक, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा कितनी होती है इक्वल होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी अपना क्या है एक तरह से हाइड्रोजन एटम है, यानी थ्री लिथियम प्लस टू आएगा वो भी अपना क्या है एक तरह से हाइड्रोजन एटम है। तो आपको हाइड्रोजन एटम क्या होता है समझ में आ गया होगा, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो क्या कि वह परमाणु जिसमें नाभिक की संख्या एक तथा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या एक होती है वह हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। अब मैं बात करता हूं इसके डेरिवेशन की कि अपन को निकालना क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। बिल्कुल न्यूट्रॉन होता है बट रोशन हाइड्रोजन में, आप मुझे बताओ कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, पहले तो मुझे ये बताओ न्यूट्रॉन होता है बट न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए मुझे। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि न्यूट्रॉन में बिल्कुल संख्या हाइड्रोजन एटम में कितनी होती है, जीरो होती है। तो वही बात है कि अपन को किस किस को डिफाइन करना है, एक तो परमाणु की देखो परिभाषा लिखते हैं, उसमें तो आप कोई सा भी लिख सकते हो, वह परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक हो, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी संख्या एक हो, न्यूट्रॉन की संख्या जीरो हो, तो वो क्या अपना एच परमाणु या एच एटम है। अब उसको छोड़ो, एच एटम को मैंने बता दिया कि क्या क्या होता है उसमें, अब मैं बात करता हूँ कि उसमें किसकी बात कर रहे हैं अपन, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, क्या लगा रहा है ये आपका कोई नाभिक था, और इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो कौन लगा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा यहाँ पे एम होगा, कितना होगा इसका जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का वो एम होगा, और जो रैखिक संवेग होगा वो क्या होगा एक तरह से पी होगा। ये मैंने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो कितना है आपका m है तथा उसका संवेग है वो कितना आपका p है। बताओ क्या मैं मान सकता हूं क्या इसे, मान सकता हूं। अब मैं कहता हूं कि स्थिति में अनिश्चितता, यदि मुझे क्या निकालना है इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, वो एनर्जी निकलती कैसे ये देखना। अब मैं क्या कहता हूं, माना यहां पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ले लिया, संवेग p ले लिया, यदि मैं इसमें स्थिति की अनिश्चितता की बात करूं, क्योंकि मुझे कौन सी एप्लीकेशन किसकी एप्लीकेशन नहीं है, अनिश्चितता के सिद्धांत का अनुप्रयोग है, यानी मैं यहाँ पे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत काम में लूंगा। तो अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है, अनिश्चितता के सिद्धांत से, तो अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट वाय टू है, क्या है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट वाय टू है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो डेल एक्स है वो क्या है स्थिति में अनिश्चितता है, डेल एक्स है वो क्या है यहाँ पे स्थिति में अनिश्चितता है, यानी अनसर्टेनिटी ऑफ पोजिशन। अब मुझे ये बताओ, अब मैं यहाँ पे एक कंफ्यूजन और होगा आपको कि यहाँ पे जो अपना हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लिया इसको मैं अब क्या लेता हूं, सबसे पहले तो अपन कह रहे हैं कि इसको न्यूनतम मूलतः ऊर्जा स्तर यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करनी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम अवस्था होगी वो क्या होगी इक्वल टू एच कट वाय टू, मैंने बताया था कि इसमें जो न्यूनतम अवस्था होगी वो क्या होनी चाहिए अपने पास, न्यूनतम और न्यूनतम मान कितना होना चाहिए एच कट बाय टू के इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पे जब अपन क्वांटम के लिए कोई भी परमाणु की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं परमाणु के, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यदि आप कोई भी परमाणु की बात करते हो तो उसमें जो एच कट बाय टू है उसको इजीली सॉल्व करने के लिए आप क्या काम में ले लेते हो, उसको एच कट बाय टू की जगह क्या काम में ले लेते हो, एच कट काम में लेते हो। तो ये ध्यान रखना कि क्वांटम मैकेनिक्स या एडवांस क्वांटम जो एडवांस क्वांटम चलती है एमएससी में उसके बेस पे एक ऐसा कोई नियम फॉलो किया गया है कि अपने पास कोई भी यदि क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्ट्रिप की बात करते हैं और जिसमें भी यदि एक अपने प्रॉपर एटम की बात करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है कम होती है, तो उसमें अपन क्या करते हैं एच कट बाय टू को अपन क्या लेते हैं एच कट लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो डेल एक्स है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो डेल एक्स है और जो डेल पी एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए अपना एच कट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए अपना एच कट होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो स्थिति में अनिश्चितता है वो कितनी होगी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो स्थिति में अनिश्चितता है, अब मुझे ये बताओ कि स्थिति में अनिश्चितता कौन सी होगी, यहाँ पे स्थिति में अनिश्चितता क्या वैल्यू होगी और कौन सी होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि स्थिति किसकी देखेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं अपन हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर की, और उसमें राउंड कौन लगा रहा है इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। यदि मैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होती है एक कक्षक में होती है, यानी एक कक्षक होगा और कक्षक भी कौन सा आपके पास एस पी डी इस टाइप से होता है,
तो जो इसका कक्षक होगा वो उस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है वो नाभिक से कितनी है, आर है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो स्थिति में अनिश्चितता है, क्या है आपकी स्थिति में अनिश्चितता, यानी स्थिति में अनिश्चितता क्या है, डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर है। क्या है, डेल एक्स इज इक्वल टू आर। तो मैं कह सकता हूँ कि स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी आपकी, डेल एक्स इज इक्वल टू आर। अब और मैं क्या कह सकता हूँ कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा स्तर निकालना है अपन को, क्या निकालना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए न्यूनतम अवस्था क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम अवस्था के लिए, इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम अवस्था के लिए, तो न्यूनतम अवस्था के लिए आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसके लिए आ जाएगी अपने पास डेल एक्स डेल पी और इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, एच कट आ जाएगा। ठीक, एच कट बाय टू क्यों नहीं लिया, तो उसका रीजन मैंने यहाँ पे बता दिया। और डेल एक्स की जगह क्या आ जाएगा अब आपके पास, डेल एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, आर ले लिया। क्लियर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो डेल पी है या संवेग में अनिश्चितता वो कितनी आ जाएगी आपकी, एच कट बाय आर। तो ये डेल पी क्या है आपके पास, संवेग में अनिश्चितता। देखो कोई भी स्टूडेंट लिखने की जल्दबाजी ना करे, क्योंकि आपके पास क्लास रिकॉर्ड भी होने वाली है 24 घंटे तक, तो उसको आप यदि जब आप नोट्स बनाते हो तो लिखने का काम आप आराम से कर लो, एक बार केवल ओनली फोर्स समझने का काम करो, फिर आप लिखने का काम करना है। यदि साथ साथ में करोगे तो दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो लिख पाओगे या समझ पाओगे। तो लिखने का काम आप बाद में करो, जब भी आप क्लास रिकॉर्ड होकर आ जाती है उसको आप डाउनलोड करके स्पीड से देख के नोट्स फटाफट बना लो, बाकी आप एक बार तो समझने की कोशिश करो। तो देखो इसमें अपन ने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु में ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए हाइड्रोजन एटम माना, जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है एक है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है जीरो है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे एम मान लिया, उसका संवेग में कितना माना, पी माना। तो अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है, डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय टू। अब मैं यहाँ पे एक तो ये चेंज कर रहा हूँ कि एच कट बाय टू की जगह क्या काम में ले रहा हूँ, एच। क्यों, क्योंकि जब एडवांस क्वांटम की बात होती है, माइक्रो स्टेट की बात होती है और उसमें प्रॉपर किसी एटम की बात होती है, तो एच कट बाय टू की जगह अपन क्या काम में लेते हैं, एच कट काम में लेते हैं। बाकी रहेगा तो वही 10^-34 ही रहेगा, केवल उसमें क्या हो जाएगा, ये दो का डिवाइड जाएगा तो थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इजीली सॉल्व करने के लिए मैंने एटम के लिए क्या ले लिया, एच कट बाय टू क्या ले लिया, एच कट ले लिया। डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कट। और स्थिति में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, डेल एक्स इज इक्वल टू आर। इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम अवस्था के लिए जब डेल एक्स इज इक्वल टू क्या अपने पास, आर है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको एरो को आप ऐसे बना लो, तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये आर क्या है, जहां पर आर क्या है आपके पास, जहां आर प्रथम कक्ष की त्रिज्या है, जहां आर क्या है अपने पास, प्रथम कक्ष की त्रिज्या है। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, यदि यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, यदि इतना समझ में आ गया तो आगे का ही जी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये सब तो मैंने मान लिया कि हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए एटम मान लिया, एटम में अनिश्चितता मान ली, स्थिति की अनिश्चितता मान ली, और यहाँ पे संवेग की अनिश्चितता भी अपने निकल गई, एच कट बाय आर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कि यहाँ पे जो स्थिति में अनिश्चितता आ गई, संवेग में अनिश्चितता आ गई, दोनों की जब अनिश्चितता आ गई तो उसकी वैल्यू कितनी आई, संवेग की आई अपने पास एच कट बाय आर, और स्थिति की अनिश्चितता कितनी आई, आर। अब मुझे करना है कि जो हाइड्रोजन एटम की या इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। तो यदि मैं इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, आप जानते हो कि जब भी कोई ऊर्जा की बात होती है तो कुल ऊर्जा की बात हो रही है, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी गतिज ऊर्जा, प्लस स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होगी अपने पास, पी स्क्वायर बाय टू एम। क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा को मैं यदि पी की फॉर्म में लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय टू एम, किसके इक्वल होगा, टोटल ऊर्जा के। और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो स्थितिज ऊर्जा आप जानते हो क्या होती है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर होती है। आपने यदि 11th में पढ़ा होगा दो चार्ज का कंसेप्ट, तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास, ये Q1 है ये Q2 है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हो, Q1 Q2 / R ऐसे निकालते थे, 12th क्लास में पढ़ा है आपने कि स्थितिज ऊर्जा कोई भी ऐसे निकालते। तो अब आपके पास क्या आ गया, एक तो नाभिक है जिसमें क्या प्रोटॉन है, प्रोटॉन की वैल्यू यानी Z इज इक्वल टू अपन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। एक क्या है अपने पास, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके बीच की जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो क्या आएगी, माइनस का
ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा अपने पास आर, बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा आएगी वो इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, ये आएगी, तो बिल्कुल सही है। अब अपन क्या करें, ये इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकल गई, गति ऊर्जा निकल गई और स्थिति ऊर्जा निकल गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, यही होगा अपने पास। अब इसको क्या करता हूं, अब आप जानते हो कि मुझे ऊर्जा तो निकालनी थी, क्या निकालनी थी, हाइड्रोजन परमाणु के मूलतः ऊर्जा निकालनी थी, मूलतः ऊर्जा तो निकालनी थी, बट ऊर्जा भी किसकी है, ग्राउंड स्टेट की है, किसकी है ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट की है। जब ऊर्जा ग्राउंड स्टेट की है तो अब इसको मैं, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, एकदम न्यूनतम लेवल, ग्राउंड स्टेट का मतलब ये होता है कि ये कोई भी हाइड्रोजन एटम है तो उसका ये जो नीचे का सबसे लोएस्ट लेवल होता है वो कहलाता है अपना ग्राउंड स्टेट, इसके ऊपर जो लेवल होता है वो कहलाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ये कहलाता है आपका सेकेंड ऊर्जा स्टेट यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इससे ऊपर थर्ड फोर्थ फाइव ऐसे आते हैं, तो वो अपन जब डेरिवेशन करेंगे 1D बॉक्स का उसमें आएगा। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे निकालना है कि जो ऊर्जा आ रही है उसकी न्यूनतम मान, न्यूनतम मान ऊर्जा का, न्यूनतम मान यानी कोई ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में कोई पार्टिकल है तो वो क्या होगा, उसका न्यूनतम मान की वैल्यू को शो करेगा, यानी कोई ग्राउंड स्टेट यानी मूल न्यूनतम मान के लिए, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ न्यूनतम ऊर्जा स्तर के लिए, यदि मुझे न्यूनतम ऊर्जा स्तर के लिए निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, न्यूनतम ऊर्जा स्तर के लिए कुल ऊर्जा निकालनी है, तो आप बताइए मुझे न्यूनतम ऊर्जा स्तर के लिए क्या करूं, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं आप, उसका आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर दो, तो आपका क्या निकलेगा, मिनिमम केस निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि डेल ई अपॉन में क्या करूंगा, अपॉन में डेल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे जब न्यूनतम की बात करेंगे तो ये क्या कंडीशन आ जाएगी, डी ई अपॉन में डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, जीरो। बताओ सही है क्या, कोई डाउट? बताइए यहां तक कोई डाउट है क्या? अब यहाँ पे देखो अपने पास ये क्या हो रहा है, हाँ इसमें एक भी चीज और ध्यान रखना, जब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करेंगे वो कौन सा करेंगे, पार्शियल। पार्शियल क्यों करेंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंसी है वो केवल किस पे है, यहाँ पे आर पे, बाकी तो सब क्या आ जाएगा इसमें कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो जो चेंज होगा वो क्या होगा, केवल आर होगा। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अपने पास डी ई अपॉन में डी आर करना है, अब क्या मैं इस पी की जगह वैल्यू है, तो पी की आपके पास वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो संवेग में अनिश्चितता कितनी है, डेल पी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एच कट बाय आर, तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, बताओ मुझे, जो इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग आया था, एक तरह से P की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे H कट बाय R है, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, यानी समीकरण एक से मैं ये वाली टर्म बना सकता हूँ कि समीकरण एक से डेल अपॉन में डेल R कर दिया, और E की वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, P स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, H कट स्क्वायर, तो H कट स्क्वायर अपॉन में 2m, और R की जगह क्या हो जाएगा अपने पास, R स्क्वायर माइनस E स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R की जगह क्या रहेगा, R रहेगा। अब मैं इसको R की जगह R नॉट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, R नॉट क्या है बताइए, यदि मैं R इज इक्वल टू क्या करता हूँ यहाँ पे R नॉट करता हूँ, तो R नॉट क्या है अपने पास, प्रथम कक्ष की बोर त्रिज्या जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोर त्रिज्या, तो वो क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू R नॉट, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो के इक्वल, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, जो अपन हाइड्रोजन परमाणु में ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल रहे हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, हाइड्रोजन परमाणु माना, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो पता लग गया, उसमें उसका द्रव्यमान मान लिया इलेक्ट्रॉन का m, संवेग मान लिया p, अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है, अब यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया, h कट बाय 2 को h कट कर दिया, स्थिति में अनिश्चितता कितनी थी, डेल एक्स इज इक्वल टू r, जहां पर r क्या अपनी प्रथम कक्ष की त्रिज्या कहलाएगी, और इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम अवस्था के लिए जो आएगा वो क्या आ जाएगा, न्यूनतम अवस्था यानी h कट किसके इक्वल होगा, इस वाली टर्म के, यानी न्यूनतम की बात कर रहा है तो न्यूनतम वैल्यू कौन सी शो करता है, इसके बराबर ही शो करेगा या फिर इससे बड़ा, बट न्यूनतम तो क्या होगा, जब बड़ा तो होगा नहीं, न्यूनतम के लिए बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू देगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, h कट बाय r, इस संवेग में अनिश्चितता है, तो यहाँ पे यदि मैं इसके टर्म में लिखूं या इसमें भी अनिश्चितता लगा दूं, तो संवेग में ये p यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे संवेग को शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे जब अनिश्चितता का सिद्धांत आ रहा है तो संवेग में अनिश्चितता को शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p की जगह h कट बाय r, और h कट बाय r पे मैंने p की जगह क्या रख दिया, h कट बाय r, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्लियर। अब इसको एक बार मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। अब करना क्या अपन को, कि इसमें क्या करना है, डेल बाय डेल r के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है, तो वहां पे r की वैल्यू निकलेगी,
उस आर की वैल्यू को वापस समीकरण एक में लाके रखना है तो आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकल जाएगी। क्लियर? तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। जल्दी से 2 मिनट में ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू निकालता हूँ। लिखने के मुझे एक बार कमेंट करके थम करके भेज देना कि लिख दिया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार जो भी ऑनलाइन है मुझे कमेंट करके बता दे कि लिख दिया हो तो आगे बढ़ो। थोड़ा अपनी क्लास का फीडबैक
हाँ रोशन, बिल्कुल लाइट गई है, तो देखते हैं, 5 मिनट वेट करते अपन। चलो आ गई। सभी को सॉरी, 5 मिनट के लिए लाइट का कुछ कनेक्शन चला गया शायद। तो अब देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या मैंने फॉक्स थोड़े हैवी लगा रखे हैं, तो उसकी वजह से भी लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, चलो आगे बात करते हैं अपन। एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, आ गए क्या सब वापस, ज्वाइन हो गए क्या? लिख दिया होगा अब आपने शायद, तो मैं बढ़ता हूँ आगे। यहाँ पे अब अपन ने क्या किया, इसकी न्यूनतम ऊर्जा निकालनी है। तो न्यूनतम ऊर्जा के लिए मुझे क्या करना है, इसका अवकलन करना है। अवकलन करके मैं किसके इक्वल रखूंगा, जीरो के इक्वल। तो वहां पे क्या आ जाएगा अपने पास, इसकी आर की वैल्यू आ जाएगी, और इस आर की वैल्यू ई वाले फॉर्मूले में रखोगे तो आपका वापस क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू निकालते कैसे है उसकी बात करते। तो फर्स्ट तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले क्या आ जाएगा अपने पास, डेल वाई डेल आर है, ठीक है। आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको मैं जो कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर ले लूँ, तो जो जो कॉन्स्टेंट रहेगा वो मैंने ले लिया बाहर। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2 m ले लिया, और यहाँ पे क्या करना है मुझे, डेल अपॉन में डेल आर, और ये क्या हो जाएगा 1/r² है, ठीक है। फिर माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं था, ये प्लस ही था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ई स्क्वायर अपॉन में 4π ε0, यहाँ पे डेल बाय डेल आर और 1/r इज इक्वल टू क्या करना, तो आर वाली टर्म के साथ ले लिया, इसमें भी आर के टर्म के साथ ले लिया। अब मुझे ये बताओ इसका अवकलन करना है, तो अवकलन क्या आ जाएगा, जब डेल बाय डेल आर, आर की पावर यदि मैं -2 का अवकलन करता हूँ तो ये टर्म क्या देगी अपन को, -2। तो ये क्या हो जाएगी, जब इसका अवकलन करूंगा तो -2 r³ - 3, यानी ये दे देगा अपन को -2 r³, ठीक है। इसका यदि मैं अवकलन करता हूँ डेल बाय डेल आर का, तो और 1/r का, तो ये क्या दे देगा अपन को, -1/r² देगा, यही टर्म देगा। तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे जो अवकलन होगा तो वो तो आ जाएगा अपने पास एच कट स्क्वायर अपॉन में 2 m डेल बाय डेल आर, इसका अवकलन किया तो क्या आ जाएगा अपने पास, -2 r³, ये माइनस हो गया, ई स्क्वायर अपॉन में 4π ε0, और ये क्या 1/r, 1/r का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/r², तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, 0। तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो ये तो माइनस में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो एच कट स्क्वायर अपॉन में m³ इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन में 4π ε0, और r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब एक टर्म मैं उधर भेजता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन में 4π ε0 r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन में m³। अब जो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट कर दो, तो देखो ये r² से r कैंसिल हो जाएगा, तो इस टर्म, इस वाली टर्म से क्या हो जाएगा r। यदि मैं यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखो यदि मैं r को इधर लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये 4π इधर आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 4π ε0 एच कट स्क्वायर, क्या आ जाएगा अपने पास, एच कट स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास e²m। बताओ ये आर की वैल्यू आ जाएगी क्या अपने पास, यानी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4π ε0 h²। तो इसी की वैल्यू जो, यदि आप इसमें सब वैल्यू रखते हो, वैल्यू कौन कौन सी, यदि आप इसमें ये सारी वैल्यू रखते हो, 4 × 3.14 × ε0 8.85 × 10⁻², ये सब वैल्यू रख लेते हो, या फिर इसमें डायरेक्ट 1/k की वैल्यू रख दो। यदि आपको ये सब वैल्यू नहीं रखनी है तो इसमें क्या करो आप, क्या होता है, 1/4π ε0 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 9 × 10⁻⁹ होती है, तो वो वैल्यू रख दो। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब इसको 1/4π ε0 बनाओगे, यानी 4π इधर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 1.054 × 10⁻³ का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास, ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर और 4/ε0, इसकी वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, तो 9 × 10⁻⁹ 9.1 × 10⁻³ का स्क्वायर, और अपॉन में जो एम है वो क्या आ जाएगा अपने पास, सॉरी एम के तो एम की वैल्यू, और 1.6 × 10⁻⁹ का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो जो ये आर की वैल्यू देगा ये कितनी देगा, r = 0.53 angstrom देगा। तो ये क्या आ रही है इसकी,
त्रिज्या आ रही है यानी रेडियस की वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है अपने पास r इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो किसके है कि जो भी इलेक्ट्रॉन था जो इलेक्ट्रॉन जिस त्रिज्या से चक्कर लगा रहा है उस त्रिज्या की वैल्यू और ये r इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ठीक है यहाँ तक तो कुछ नहीं किया मैंने इसका केवल जो ये वाली टर्म आई थी आर के रेस्पेक्ट में अवकलन करके जीरो के इक्वल रखा है और जब मैं जीरो के इक्वल रखूंगा तो वहां पे किसकी वैल्यू निकलेगी आर की। इस यही कंडीशन से अपना मैक्सिमम मिनिमा निकलता है तो मिनिमम केस के लिए मैंने ये निकाला है। ठीक है अब यहाँ पे देखो कि आर इज इक्वल टू मैंने क्या लिया है बोर्ड त्रिज्या के टाइप से आर नॉट लिया है तो आर नॉट लेते हो तो ठीक है नहीं लेते तो आर भी रखोगे तो सही है। अब मुझे क्या करना है ये मुझे क्या निकल गई एक तरह से आर की वैल्यू निकल गई ये वाली वैल्यू क्या निकली है मुझे आर की वैल्यू निकली है। इस आर की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा कहाँ पे समीकरण इसमें फर्स्ट में किसमें पुटअप करूंगा समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट क्या कहती है अपने पास देखो देखो समीकरण जो फर्स्ट है उस ये अपन को वैल्यू क्या बताती है कि ई इज इक्वल टू कितना है आपके पास पी एच कट स्क्वायर अपॉन में क्या था अपने पास 2mR स्क्वायर पी की जगह एच कट बाय आर रख दिया तो ये आ जाएगा आर माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। ठीक है ये वाला था अब इसमें वैल्यू किसकी रखनी है अपन को आर की उससे अपना क्या आ जाएगा इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड हो जाएगी। तो देखो ये कितना आएगा ये आएगा अपने पास ई इज इक्वल टू जब मैं वैल्यू रखूंगा तो एच कट स्क्वायर अपॉन में ये कितना हो गया 2m आर स्क्वायर की वैल्यू रखता हूं तो आर स्क्वायर कितना है आर स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर एच कट ऑफ 4 अपॉन में क्या हो जाएगा ई स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा 4 और एम स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे का ऐसे आर की वैल्यू क्या है ये है तो ये हो जाएगा अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो जाएगा एच कट स्क्वायर तो ये हो जाएगा अपने पास एच कट स्क्वायर और ई स्क्वायर एम। ठीक है अब इसको जब सोल्व आउट करोगे तो आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा कैसे देखो तो ये हो जाएगा अपने पास जो जो कट रहा है वो तो काट दो तो एच कट स्क्वायर वो ऐसे का ऐसे एच कट स्क्वायर तो यहाँ से हट ही जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास एच कट स्क्वायर से ये कटेगा तो 2 आ जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एम देखो एम से एक एम कट जाएगा तो एम ई 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर और क्या रहेगा अपने पास एच कट ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या देखो कटेगा तो कुछ नहीं तो ये भी क्या आ जाएगा एम ई 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 पाई इसको भी मैं सॉल्व करके लिख दू 4 और देखो ये क्या है 4 और 4 के अपना हो जाएगा 16 तो 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच कट स्क्वायर देखो दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है क्या क्या आ रहा है एम ई 4 अपॉन में 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर और एच कट मैंने क्या ले लिया बार ले लिया। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा जब इसमें से 16 बार ले लिया तो 1/2 बचेगा माइनस का क्या बचेगा -1 ये कंप्लीट टर्म मैंने वाले ली तो 1/2 -1 तो वो रिजल्ट क्या देता -1 1/2 -1 है तो -1/2 देगा तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का एम ई 4 अपॉन में कितना -1/2 आएगा तो 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर और एच कट ये क्या आ जाएगा अपने पास एक तरह से ई मिनिमम यानी ये क्या आ जाएगा अपने पास ई मिनिमम आ जाएगा। अब इसको आप और एक रूप में और कन्वर्ट कर सकते हो कैसे कि यदि मैं इसकी एक और फॉर्म लिखूं इसको मैं ऐसे बना दूं कि जो ई मिनिमम है इधर का आपको दिख जाएगा क्या बोर्ड पे दिख जाएगा वैसे तो ई मिनिमम है तो वो क्या अपने पास देखो एक तो माइनस आएगा क्या आ जाएगा अपने पास ई मिनिमम इज इक्वल टू माइनस तो आएगा ही फिर क्या आ जाएगा अपने पास एम ई 4 एम ई 4 रहेगा ही उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा अपने पास इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन का क्या ले लिया स्क्वायर यानी ये क्या बन गया 16 और इसको मैंने लिख दिया अपॉन में 2h कट। ठीक है ये क्या अपने एक तरह से ई मिनिमम की एनर्जी है क्या है अपने पास ई मिनिमम की एनर्जी। अब ये मैंने क्यों किया क्योंकि मुझे जब मैं वैल्यू रुकूंगा तो m कितना होता है 9.1 × 10⁻³⁶ किसके लिए ले रहे इलेक्ट्रॉन के लिए ई 4 कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁴ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है यानी 1/9 × 10⁻⁹ का स्क्वायर करोगे और 2h कट की आप जब वैल्यू रखोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ई मिनिमम ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -13.6। तो यहाँ पे एक बार ये नोट कर लीजिए फिर मैं अपन वो वैल्यू रखते हैं इस पार्ट को आप ऐसे लिखना ये यहां से
यहां से ये लिखना, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। इस जो ये एप्लीकेशन है, इस टॉपिक पे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। मैं अभी से कह रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपके 3 नंबर में पूछा जाता है कई बार। लिख दिया होगा इस साइड का, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताए लिख दिया हो तो। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आप रखोगे तो वो वैल्यू क्या रखोगे उसकी बात करते हैं अपन। वैल्यू आपको शब्द की ध्यान ही है। रख सकते हो, देखो वैल्यू क्या क्या रखोगे। एम की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे अपने पास, 9 × 9.1 ये आएगी। ई क्या आएगा अपने पास, 1.6 × 10⁻¹⁹ को ला। और 4 πε₀, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 1/9 × 10⁻¹⁹। इसकी आप यूनिट भी निकाल सकते हो कूलम फोर्स से। और जो 2 H² की वैल्यू है वो कितनी है, 1.054 × 10⁻³⁴। तो अपन को ई मिनिमम निकालना, तो ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे इस टर्म में, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास −13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों, क्योंकि क्या फाइंड कर रहे हैं अपन, एनर्जी। और एनर्जी जब इसमें फाइंड करेंगे तो ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने के लिए क्या चाहिए अपन को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने के लिए अपन को चाहिए एक लास्ट में टर्म ऐसे ही बनाना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो यानी एक टर्म जो है ई फोर में से एक साइड, एक जो ई फोर है तो उसका ई क्यूब ऐसे कैसे रखना और एक ई बाहर निकाल लेना, ताकि वो क्या बन जाए अपना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, किसकी, हाइड्रोजन एटम की। और ये ही एनर्जी अपन जब यूनिट नंबर थर्ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें एक बड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स का डेरिवेशन है हाइड्रोजन एटम का, उसमें अपन ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे भी निकालेंगे। अभी तो अपन ने निकाली है एनर्जी, वही है जो वहां पे आएगी, बट यहाँ पे किसकी सहायता से निकाली है, अनिश्चितता सिद्धांत की सहायता से। ऐसे ही अपन निकालेंगे किसमें, दूसरे के बेस पे। तो ये हो जाएगी अपने पास ई मिनिमम इक्वल टू −13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब बताओ मुझे इसमें कुछ आपको पूछना हो या कोई डाउट हो। लास्ट में ये लिख लेना कि यह हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी को व्यक्त करता है। मैं लिख लू यह, या फिर मैं डायरेक्ट लिख लूं, हाइड्रोजन परमाणु के ग्राउंड स्टेट एनर्जी मूलतः ऊर्जा स्तर, मूलतः ऊर्जा −13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन खत्म हो जाता है। और इस पे आप, मैंने बोला है कि इस पे क्या लगाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि अनिश्चितता सिद्धांत में पूछा जाता है कई बार, या तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे या इससे रिलेटेड क्या पूछे, यही डेरिवेशन कई बार पूछा गया है, या तो ये वाला या फिर सरल आवृत्ति दोलक वाला, दोनों में से एक पूछा जाता है किसमें, 3 नंबर वाले में। बताओ मुझे जल्दी से, अब कुछ पूछना हो तो बताइए और कुछ डाउट क्लियर करना हो तो बताइए। कमेंट में सभी के देख रहा हूं। इस ऐप में आप ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन भी कर सकते हो। यदि आपको कुछ पूछना है जो आप कमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप उसको जब भी मैं बोलूंगा, आपको यदि कोई ऑडियो से पूछना है कोई, तो
तो आप क्या करना, उसमें मैसेज करके मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करना कि मुझे सर कुछ पूछना है, तो मैं उसका माइक क्या करवाऊंगा, अनम्यूट करवाऊंगा और आप मेरे से पूछ सकते हो। वो आपका जो भी आप पूछोगे वो आपका पूरा बैच जितने भी लड़के ऐड है जितने भी स्टूडेंट है सबको सुनाई देगा। ठीक है, तो ये वाला था अपना ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो अनिश्चितता सिद्धांत की एक एप्लीकेशन थी, तो ये अपन ने पढ़ी है। तो आज के लिए तो इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में कल अपन बात करेंगे किसकी, सरल आवृत्ति दोलित्र के ऊर्जा के। ठीक है, बताओ कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो ये वाली जो क्लास है 24 घंटे के लिए अपनी रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हो जाएगी। यदि आप इसको बाद में देखना चाहो, आप इसके नोट्स बनाना चाहो तो आप आराम से बना के नोट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।